दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2017 को अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और वे अमेरिका के सबसे अमीर प्रेसिडेंट हैं। 2017 में इनकी नेटवर्थ $3.7 बिलियन थी, जो कि इंडियन रुपीस में करीब 35,000 करोड़ रुपए होती है। और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि ट्रंप के पास इतनी इनकम आखिर आई कहां से। इसीलिए आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का फुल नेम है डोनाल्ड जॉन ट्रंप और इनका निक नेम द 45 और स्नोफ्लेक है। इनका जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 74 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी न्यूयॉर्क से की है और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फोर्डहम यूनिवर्सिटी वॉल्टन से की है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप की कहानी हम उनके पिता की कहानी से शुरू करेंगे, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप के पास जितनी भी जायदाद है उस जायदाद को बनाने की शुरुआत इनके पिता फ्रेडरिक ट्रंप ने की थी। फिर डोनाल्ड ने अपने पिता की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि जब डोनाल्ड के दादा यानी कि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, तब वे अपने बेटे फ्रेडरिक, जिनको सब प्यार से फ्रेड बुलाते थे, उनके लिए करीब $1 मिलियन छोड़ गए थे 1918 में। और उनके मरने के बाद फ्रेड यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पिता को ही सारा बिजनेस संभालना पड़ा। और 1920 में जब फ्रेड सिर्फ 15 साल के थे, तब से ही वे अपने फैमिली बिजनेस में कूद पड़े और फ्रेड ने स्पेशली रियल एस्टेट के बिजनेस में अपने कदम बढ़ाए और इन्होंने कई सारे हाउसिंग स्कीम्स और अपार्टमेंट्स बनाए, जिनको वे लाखों डॉलर्स में सेल करने लगे। और फ्रेड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ट्रंप विलेज, जो कि 1964 में बनाया गया, जिसमें करीब 4,600 अपार्टमेंट्स थे। लेकिन इस विलेज ने फ्रेड की मार्केट में जो वैल्यू थी उसको घुटनों के बल गिरा दिया था, क्योंकि वहां की सरकार ने फ्रेड को प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ाकर बताने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। फ्रेड ऐसा इसीलिए करते थे क्योंकि उससे उनको ज्यादा फंड्स मिलते थे और वे बाकी फंड्स अपनी जेब में डाल लेते थे। और इससे फ्रेड पर लोगों का भरोसा खत्म होने लगा और उनको अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिलने में मुश्किल होने लगी। लेकिन 1968 में फ्रेड ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया और इन्होंने अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया और बिजनेस की सारी देखरेख डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में सौंप दी। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस कैरियर के बारे में। 1974 में डोनाल्ड ने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, जो अभी तक 60 अलग अलग एंटरप्राइजेस को मिलाकर बनी है। डोनाल्ड के आने से कंपनी की स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। डोनाल्ड का गोल था कि वो खुद को एक जीता जागता ब्रांड बना लें, तो उन्होंने इतना मीडिया अटेंशन पाने की कोशिश की जितना वे ले सकते थे। उन्होंने खुद को एक बिजनेस टाइकून की तरह दर्शाया और उन्होंने अपनी रेपुटेशन को होटल बिजनेस में धावा बोलने के लिए यूज किया। डोनाल्ड ने अपनी पहली प्रॉपर्टी 1977 में खरीदी थी और उन्होंने एक फेल हो रहे कोमोडोर मैनहट्टन नाम के एक होटल को खरीद लिया, क्योंकि उसका मालिक दिवालिया होने की कगार पे था। डोनाल्ड ने उस बिल्डिंग में बहुत पोटेंशियल देखा, तो उन्होंने उस बिल्डिंग को दोबारा रेनोवेट करवाया और डोनाल्ड ने फिर उस वक्त के अमेरिका के सबसे बड़े कॉरपोरेशन हयात के साथ पार्टनरशिप भी की। उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन लोन लेने के लिए किया था और इसी वजह से उन्हें कोमोडोर मैनहट्टन होटल पर और काम करवाने का मौका मिला। और उस होटल को दोबारा 1980 में खोला गया और उसका नाम द ग्रैंड हयात होटल रखा गया। और इसकी सक्सेस की वजह से डोनाल्ड ने ऐसी ही डील्स पर काम करना शुरू कर दिया। वे एक ऐसी सस्ती हाई प्रोफाइल बिल्डिंग खरीदते और उसको रेनोवेट करके दोबारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट में बेच देते। इसी प्लान की वजह से 3 साल में डोनाल्ड ने अपना सबसे बड़ा प्लान, जिसका नाम था ट्रंप टावर, उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। इसको 1983 में कंप्लीट कर दिया गया था और इससे ट्रंप को $70 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 3 साल में, जो कि रुपीज में कुछ 1,000 करोड़ रुपए होते हैं। और कुछ सालों तक ट्रंप का बिजनेस ऐसी बिल्डिंग्स बनाने और बेचने का था। ट्रंप की सबसे बड़ी डील 1989 में आई, जब इन्होंने ताजमहल नाम के दुनिया के सबसे बड़े कसीनो को $273 मिलियन में खरीदा, जो कि रुपीज के हिसाब से कुछ 3,500 करोड़ रुपए होते हैं। इसके बाद ट्रंप ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप और कुछ एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर्स भी खरीद लिए। 1980s में इतनी सक्सेस के बावजूद भी वे 1990s में ट्रंप एम्पायर को उसके घुटनों पे ला चुके थे। जैसे ही US रिसेशन की तरफ बढ़ा, वैसे ही ट्रंप की स्थिति खराब होने लगी। इनके कुछ वेंचर्स ने प्रॉफिट देना बंद कर दिया था। ताजमहल, अटलांटिक सिटी और कैसिनोज गिरने की लिस्ट में सबसे पहले थे। डोनाल्ड को ट्रंप एयर,
ट्रंप शटल और ट्रंप प्रिंसेस को भी बेचना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वे 9 बिलियन का कर्जा चुका नहीं पाए। आखिर में किसी तरह ट्रंप एम्पायर ने दिवालिया होने के बाद भी सरवाइव किया और किसी न किसी तरह 21st सेंचुरी में डोनाल्ड ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा कर दिया। डोनाल्ड की सक्सेस इतनी सुर्खियों वाली इसीलिए रही क्योंकि उनकी डील्स करने का तरीका बहुत इंटेलिजेंट था। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली से। डोनाल्ड के पिता का नाम है फ्रेड ट्रंप, डोनाल्ड की माँ का नाम है मैरी एन मैकलियट ट्रंप, डोनाल्ड के दो भाई हैं जिनके नाम है रॉबर्ट ट्रंप और फ्रेड ट्रंप जेआर, डोनाल्ड की दो बहनें हैं जिनके नाम है मैरी एन ट्रंप और एलिजाबेथ ट्रंप, डोनाल्ड की 3 बीवियां हैं जिनके नाम है मार्ला मैपल्स, इवाना ट्रंप और मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड के 3 बेटे हैं जिनके नाम है बैरन ट्रंप, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जेआर, डोनाल्ड की 2 बेटियां हैं जिनके नाम है इवानका ट्रंप और टिफनी ट्रंप। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की इनकम के बारे में। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप की सैलरी की, तो उन्हें हर महीने करीब $4,00,000 की सैलरी मिलती है और इस सैलरी पर ट्रंप को टैक्स भी पे करना पड़ता है। इसके अलावा $1,00,000 फॉरेन ट्रिप्स के लिए इन्हें मिलता है और $19,000 इन्हें एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए दिए जाते हैं और कुल मिलाकर हर महीने ट्रंप को करीब रुपीज के हिसाब से 3,53,49,090 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ट्रंप के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनसे वे हर साल लाखों डॉलर्स की कमाई कर लेते हैं। फोर्ब्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में टोटल $434 मिलियन की कमाई की थी अपने बिजनेसेस से, जो कि रुपीज के हिसाब से कुछ 5,000 करोड़ रुपए होती है और ये उनकी सिर्फ एक साल की कमाई थी। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ के बारे में। दोस्तों, ट्रंप के पास कई सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैसीनोज और क्लब्स हैं, जिनकी टोटल वैल्यू ऐड करके ट्रंप की नेटवर्थ बनती है $3.7 बिलियन, जो कि रुपीज के हिसाब से कुछ 35,000 करोड़ रुपए होती है। और अगर आप ट्रंप के एक्सपेंसिव चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो ट्रंप की मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स के ऊपर बनाएंगे। अब चलिए दोस्तों, आपको ट्रंप का घर दिखाते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पास करीब 20 से 30 प्राइवेट घर हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको उनके सबसे महंगे घर के बारे में बताएंगे, जहां पर वे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इनका ये घर अमेरिका में कैरेबियन सी पर स्थित है, जिसकी कीमत है $28 मिलियन, जो कि रुपीज के हिसाब से कुछ 250 करोड़ रुपए होती है। और इन फोटोज और वीडियोज में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कार्स और प्राइवेट जेट कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के प्राइवेट जेट की, जिस पर ट्रंप ने अपना नाम भी लिखवाया है। और ये प्लेन इन्होंने $100 मिलियन में खरीदा था, जो कि रुपीज के हिसाब से कुछ 800 करोड़ रुपए होते हैं। और इस प्लेन की सीट्स 24 कैरेट गोल्ड और लेदर से बनाई गई हैं और इस प्लेन में एक आलीशान बेडरूम भी है। वहीं अगर बात करें इस जेट की इंजन की, तो इस जेट की इंजन को रोल्स रॉयस कंपनी ने बनाया है। और अब बात करते हैं ट्रंप की कार द बीस्ट के बारे में, जो दुनिया की सबसे महंगी बुलेट प्रूफ कार है। और ट्रंप जिस भी देश में जाते हैं, उनसे पहले उनकी ये कार वहां पहुंच जाती है। इनकी इस कार के मॉडल का नाम है लिमोजीन और ये कैडिलैक कंपनी की कार है और इसकी कीमत है 15 करोड़ रुपए। इसके अलावा ट्रंप के पास एक लैम्बोर्गिनी डायबलो भी है, जिसकी कीमत है $5,00,000 और इंडिया में इसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। इसके अलावा ट्रंप के पास मर्सिडीज SLR 722S भी है, जिसकी कीमत है $1.5 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है 11 करोड़ रुपए। इसके अलावा ट्रंप के पास एक रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2 भी है, जिसकी कीमत है $4,50,000 और इंडिया में इसकी कीमत है 9.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा ट्रंप के पास एक 1961 रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड भी है, जिसकी कीमत है $90,000 और इंडिया में इसकी कीमत है $70,00,000। इसके अलावा ट्रंप के पास अपना एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है, जिसकी कीमत है $7 मिलियन और इंडिया में इसकी कीमत है $50 करोड़। तो ये थी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस प्रेसिडेंट पर देखना चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget